नमस्कार, मेरा नाम राघव है और मैं दिल्ली से हूँ। तो ये कविता मैंने जब लिखी थी, जब मैं कॉलेज लाइफ में था, और जब घर में फैमिली तो होती है बट फिर भी आप अकेले अकेले से महसूस करते हो, तो आप तक पहुँचे तो मुझे बताना कि सो जाता हूँ सहमा सा किसी कोने में हर रोज़, सो जाता हूँ सहमा सा किसी कोने में हर रोज़, नहीं संभलता है मुझसे झूठे सपनों का एक बोझ, कोई अपना सा ना लगता है, कोई अपना सा ना लगता है, इस लाखों की भीड़ में अपना अपने को ठगता है, कोई अपना सा ना लगता है, लाखों की भीड़ में अपना अपने को ठगता है, घर वाले भी मुझे अब अपने से ना लगते हैं, घर वाले भी मुझे अब अपने से ना लगते हैं, मेरे सपने को वो एक मजाक समझते हैं। शाम को सोते समय एक गरीब मजदूर सा लगता हूँ मैं, शाम को सोते समय एक गरीब मजदूर सा लगता हूँ मैं, थोड़ा खाना खा के अपना आधा पेट भरता हूँ, के सो जाता हूँ सहमा सा किसी कोने में हर रोज, नहीं संभलता है मुझसे झूठे सपनों का ये बोझ, के जिंदगी इतनी तकलीफें क्यों बढ़ा रही है, जिंदगी इतनी तकलीफें क्यों बढ़ा रही है, जीने की एक वजह तो छोड़, सो जाता हूँ सहमा सा किसी कोने में हर रोज, और सुबह 7 से शाम को 7 तक काम करता हूँ, सुबह 7 से शाम को 7 तक काम करता हूँ मैं, कुछ यूं अपनी जिंदगी तमाम करता हूँ मैं, कुछ यूं अपनी जिंदगी तमाम करता हूँ मैं, के चाहकर भी कुछ खरीद ना पाता हूँ मैं, चाहकर भी कुछ खरीद ना पाता हूँ मैं, कहने को बहुत कमाता हूँ मैं, घर में पिता हैं जो अपने में व्यस्त हैं, छोटा भाई है जो अपने में मस्त है, घर में पिता हैं जो अपने में व्यस्त हैं, छोटा भाई है जो अपने में मस्त है, पता नहीं क्यों एक एक पाई जोड़ रहा हूँ मैं, क्यों अपना आरजे बनने का सपना तोड़ रहा हूँ मैं, और क्यों अपना आरजे बनने का सपना तोड़ रहा हूँ, जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं और जीने की चाह अब घट रही है, जिंदगी चल फिर एक बार एतबार करता हूँ, जिंदगी फिर एतबार करता हूँ और फिर तुझसे प्यार करता हूँ, और अंत में वही पंक्ति के सो जाता हूँ सहमा सा किसी कोने में हर रोज, नहीं संभलता है मुझसे झूठे सपनों का ये बोझ। शुक्रिया, नाम राघव।